महिंद्रा XUV700 का जो ऑफिशियल प्राइस है वो अनवील हो गया है, जो कि कुछ ज्यादा सस्ता है, शायद ही आपने सोचा ने सोची ना होगी। तो अभी इस गाड़ी के जो 5 सीटर वाले वर्जन है सिर्फ उन्हीं का प्राइस अनवील हो गया है, जिसमें इस गाड़ी का जो बेस मॉडल है जो कि MX वाला, उसमें आपको पेट्रोल में प्राइस देना पड़ेगा मैनुअल के लिए 5 सीटर के लिए 12 लाख रुपीज एक्सशोरूम इंडिया, और डीजल में 12.5 लाख रुपीज एक्सशोरूम इंडिया, जो कि कुछ ज्यादा सस्ता है। इसके ऊपर आती है इसकी एड्रीनॉक्स वाली रेंज, जिसमें आपको बढ़िया फीचर मिलते हैं, आपको बढ़िया लुक्स मिलती है और आपको बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी मिलती है। और अभी फिलहाल जो इसकी एड्रीनॉक्स वाली रेंज है उसके सिर्फ 5 सीटर पेट्रोल का प्राइस अनवील हुआ है मैनुअल में, जिसमें AX3 का प्राइस है 14 लाख रुपीज एक्सशोरूम इंडिया, जो कि कुछ ज्यादा सस्ता है। इतने में तो आजकल क्रेटा का टॉप मॉडल नहीं आ रहा, लेकिन इस गाड़ी में आपको इतने बढ़िया फीचर मिलते हैं और आपको लुक्स मिलती है। जो इसका AX5 वाला वेरिएंट है उसका प्राइस है 15 लाख रुपीज एक्सशोरूम इंडिया, जो कि टोटली वैल्यू फॉर मनी है पेट्रोल में 5 सीटर में और मैनुअल में। और अभी इस गाड़ी के जो 7 सीटर वाले वर्जन है और जो इसके ऑटोमेटिक वाले वर्जन है और जो इसका टॉप मॉडल है जो कि AX7 है, उसका प्राइस अभी शो नहीं करा, जिसमें आप डीजल में कह सकते हैं कि अराउंड 50,000 का प्राइस इंक्रीज होगा, जैसे हम MX में देख सकते हैं। और जो 7 सीटर वाला वर्जन है उसके लिए आप कह सकते हैं कि आपको एडिशनल 30,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो इस गाड़ी का प्राइस बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, सोचे नहीं था। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि Hyundai क्रेटा का, Kia सेल्टोस का और MG हेक्टर का क्या हाल होने वाला है इसके लॉन्च के बाद।